नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर कांजीगुंड से है, जहां डीडीसी वेसु कांजीगुंड बिलाल अहमद देवा के नेतृत्व में आज शामपोरा कांजीगुंड में एक युवा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर डीडीसी ने युवाओं को खेल गतिविधियों में शामिल होने और विभिन्न नशीली दवाओं के उन्मूलन में समाज की मदद करने पर जोर दिया। उन्होंने स्थानीय राजनीतिक दलों की आलोचना करते हुए कहा कि वे परिसीमन अनुच्छेद 370-35A के नाम पर लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। आज का जो यूथ का कन्वेंशन हमारा यहाँ पे हमने रखा था, इसका मुद्दा और मकसद यही है कि हमने अपने जवानों को यहाँ से हिदायत दी कि आप अपने अपने जगहों पे, जितने भी हमारे यूथ के जवान गलत रास्तों में और गलत तरीके से भटक गए हैं, उनको अपनी तरफ ला के उनको समझाइए कि जो हमारे ज्यादातर आज यूथ ड्रग के रिलेटेड जो आज का मसला था हमारा, कि ड्रग ले रहे हमारा जो नौजवान है, हमारा नस्ल दिन ब दिन खत्म होने को आ रहा है, और इसलिए ये यूथ की मीटिंग हमने रखी थी। और इसके साथ साथ हमने अपने नौजवानों को यहाँ से एक पैगाम दिया कि आप सपोर्टर्स की तरफ ज्यादा जाइए और खेलकूद की तरफ ज्यादा जाइए। आपको जिस चीज की जरूरत होगी, जिस भी इक्विपमेंट की जरूरत होगी, आप रब्ता कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा हर जगह पे और हर स्टेज पे। नहीं, ये तो मैं तो इंडिपेंडेंटली, जब मैंने इलेक्शन लड़ा मैं तब भी इंडिपेंडेंट था और आज भी इंडिपेंडेंट हूँ, और जब मुझे किसी पार्टी के साथ जाना होगा मेरी जो आवाम है वही तय करेंगे कि हम किस पार्टी के साथ जाएंगे। जहाँ मेरी आवाम की राय होगी मैं उसी पार्टी के साथ चला जाऊंगा जहाँ मेरी आवाम कहेगी।